इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सियासी गलियारों में हो या शायरी की दुनिया में हो, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी नाम काफ़ी मारूफ व मशहूर है। लिहाजा आज उनके साथ चंद अल्फाज गुफ्तगू करने का मौका मैसर हुआ है। हम दो चार सवाल के साथ बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरान भैया, आपका खैर मकदम इस्तकबाल। शुक्रिया। हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ तो वहाँ पर आपकी मेहनत भी काफ़ी रही, इसके बावजूद भी कांग्रेस वो करिश्मा कर नहीं पाई जिसकी तवक्को उम्मीद की जा सकती थी जबकि आप उस मैदान में थे। कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार में दरअसल सीटों का बंटवारा ऐसा रहा कि हमें तकरीबन 40 सीटें ऐसी मिली जो कभी न कांग्रेस जीती थी ना आरजेडी यानी कि लालू जी की पार्टी जीती थी। तो हमें बंटवारे में ऐसी सीटें मिली जो बहुत टफ थी, और मैं इस बात की शिकायत पार्टी के फोरम पे भी करता रहा कि हमारे जिम्मेदारों ने ऐसी सीटें क्यों लीं जिनको कभी कांग्रेस ने जीता नहीं था या कभी अपोजिशन ने नहीं जीता था। ऐसे में वो एक फैक्टर था, लेकिन पूरा अपोजिशन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। तेजस्वी ने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत की, थोड़ी कमी रह गई, और जो कमी थी उससे ज़्यादा सच्चाई ये है कि कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी थी जिन्हें बीजेपी ने जो अपनी उनकी पूरी खुराफात रहती है, जो पूरी उनकी अलग तरह की कोशिश होती है उसके ज़रिए जीती, ब्यूरोक्रेसी को प्रेशराइज करके इस तरह की सीटें जीती जो 1000-2000 वोटों के ज़रिए इधर उधर का हेरफेर करके जीती गई। इसलिए मैं उस जीत को बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार नहीं मानता, और मैं देश को बहुत मुतमईन करना चाहता हूँ कि खुदा ने चाहा तो बिहार की जो मौजूदा सरकार है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि चोरी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन मुल्क भर में जो मौजूदा हालात देख रहे हैं, जिस कदर ये भी कहा जाता है हजरत कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, कुछ सियासी पार्टियाँ जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, आजकल मुसलमान चेहरे से उनको भी एलर्जी होने लगी है। वो भी जो है तस्वीर पर या तो पार्टी के अंदर वो इन चेहरों को लाना नहीं चाहती, ये क्या बात है कि सियासी पस मंजर बदल रहा है? नहीं, दरअसल ये एक ऐसा शगुफा है जिसे जो मुसलमानों के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाली मुस्लिम तंजीमें हैं वो उठाती हैं, वरना पूरे बिहार इलेक्शन का सबसे बड़ा चेहरा मैं था कांग्रेस की तरफ से। तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि जो है कांग्रेस या कोई भी सेकुलर फोर्स हो जो जो मुसलमानों को साथ जोड़ के पॉलिटिक्स करती है वो उसे हाशिए पर छोड़ रही है? मैं नहीं मानता इस बात को। दरअसल बात यह होती है कि जो पुराने चेहरे थे, जो इस तरह की तमाम पार्टियों में जो पुराने चेहरे थे, वो चेहरे धीरे धीरे खुद जो है चाहे उम्र की वजह से या और सारी वजूहात हों, उन्होंने खुद अपने आप को पीछे किया है। पार्टियों ने मुझे आज तक, कम से कम मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एनआरसी का आंदोलन हो, सीए का मसला हो, मैंने पूरी पार्टी को 3 डिग्री टेम्परेचर में गांधी की मज़ार के सामने पूरा दिन बैठे देखा है। उत्तर प्रदेश में 21 बच्चों को सीने पे सीधे गोलियां मारी गई सीए प्रोटेस्ट के दौरान। मुसलमानों की बड़ी बड़ी बात करने वाले सो कॉल्ड जो मुस्लिम लीडर हैं वो कहीं झांकने नहीं गए, उनके घरों पर कोई गया तो सिर्फ प्रियंका गांधी गई। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो मुसलमानों के को छोड़ देना चाह रहे हैं? सर, ये क्या बात हुई कि जो है जिनको भी जिताते हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजी का कुछ फर्क रहा ही नहीं। गोड्स महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चलने वाला कब गोड्स वाली जो है पार्टी ज्वाइन कर ले, इसका कोई तवक्को नहीं। मुसलमानों के कई सारे लीडर्स जो काम करना था, मैं अगर कर्नाटक की बात कहूँ तो वो काम नहीं कर पाए जिससे कांग्रेस पार्टी से कहीं तो भी बदजन होती ये कम्युनिटी दिख रही, क्योंकि मुसलमानों का अक्सर वोट बैंक कांग्रेस को ही वोट करता है। नहीं देखिए, इस तरह के मसलों में ज़्यादातर लोकल पॉलिटिक्स जिम्मेदार होती है। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है यानी कि जो गांधी फैमिली है, मैं जमानत लेते हुए बात कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, राहुल जी बहुत अच्छे हैं। इस देश में आरएसएस के ख़िलाफ़ अगर सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। परिवार में चंद लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं, इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस, तो जो आइडियोलॉजी के लेवल पर कहीं ऐसा आपको लगे कि वो कमज़ोर हैं या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गद्दारी करके भाजपा ज्वाइन कर ली, तो ठीक है, छटनी हो रही है, छन करके अच्छे लोग बचेंगे तो ये तो और अच्छा
अच्छी बात है। पार्टी तो कमजोर मकदम करता हूँ, पार्टी तो कमजोर होती नजर आ रही है। नहीं, कमजोर होना अगर आप इसे मानते हैं कि बीजेपी के मुकाबले कमजोर होती नजर आ रही है, तो आप मुझे बताइए कि पूरे मुल्क में बीजेपी के बरक्स खड़ा कौन है, लड़ कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और लड़ कौन रहा है? तो ऐसे में आप जिनसे उम्मीदें पालते हैं उन्हीं को कमजोर होने का, आप चाहते हैं कि राहुल गांधी मोदी को हटा दे प्राइम मिनिस्टरशिप से, और आप वोट भी कांग्रेस को नहीं देना चाहेंगे और ये कहेंगे कि कमजोर हो रही है कांग्रेस, तो कैसे काम चलेगा? अगर आपको कांग्रेस कमजोर लगती है तो आप कांग्रेस को मजबूत करने में क्या मेहनत कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है। आपको अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मुल्क में नफरत की फजा और बढ़ती है तो नुकसान कांग्रेस से जुड़े लोगों का ही थोड़ी होगा, पूरे मुल्क का होगा ना। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अदलिया यहाँ तक कि कोर्ट भी जो है मौजूदा मरकजी हुकूमत के मातहत फैसले ले रहा है, ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, और हकीकत में देखा भी यही जा रहा है कि एक तरफा यानी कि एक तरह से हिटलर शाही की तरफ मुल्क जा रहा है, कोई अचीवमेंट ना होने के बावजूद भी लोग मोदी को वोट करते नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि लोगों का नज़रिया बदलेगा। एक हिटलर भी अपने वक्त में बहुत पॉपुलर था, लेकिन उसी मुल्क ने हिटलर को कहां से कहां पहुंचाया। तो नफ़रतें एक बार की आपको बहुत फैलती हुई नज़र आती हैं, मोहब्बत चूंकि कलेक्टिव नहीं होती तो वो आपको बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन मोहब्बत है। इस मुल्क में अक़लियतों के मसले पे सबसे ज़्यादा लड़ने वाले भी तो हमारे गैर मुस्लिम भाई ही हैं, तो ऐसे में मैं कैसे मान लूँ कि सब कुछ ख़राब हो गया है, सारी डेमोक्रेसी ख़राब हो गई है? हम मायूस होने वाले लोग नहीं हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा, हम बेहतर करेंगे, आप बेहतर करेंगे, नए लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और जो नया खून सामने आ रहा है वो राहुल जी की क़यादत में एक बार फिर से हिंदुस्तान की सत्ता अपने हाथ में लेगा। अगर खुलकर कहे तो यमायम मुसलमानों के लिए कितनी नुकसानदेह? ये आप लोग तय करें, ये बिहार वालों से पूछें, ये उत्तर प्रदेश वालों से पूछें, आने वाले दिनों में ये बंगाल बता देगा कि कितनी नुकसानदेह। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने जो है बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया।